संपर्क के तुरंत बाद वॉशरूम का प्रयोग करें या ना करें? क्या संपर्क के बाद आपको पेशाब करना चाहिए या लेटे रहना चाहिए? अब महिलाओं के मन में ये सवाल बार बार आता है, क्या तुरंत उठकर वॉशरूम चले जाएं, पेशाब करने के लिए चले जाएं या फिर लेटे रहें? नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवल एक उपाय के बारे में जो आपको जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट होने में मदद करेगा। कभी कभार हम हर तरह की दवाइयाँ खा चुके होते हैं, हर तरह के घरेलू नुस्खों का प्रयोग कर चुके होते हैं, दवाइयों का प्रयोग कर चुके होते हैं, लेकिन प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे होते हैं। सालों से ट्राई कर रहे हैं, प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। कारण कोई छोटी सी गलती होगी जिस कारण से ऐसा हो रहा है। कभी कभार ऐसा होता है कि महिलाएं रिलेशन के बाद तुरंत वॉशरूम चले जाती हैं, पेशाब करने के लिए चले जाती हैं। यदि नहीं जाती हैं तब पेशाब में जलन, पेड़ों में दर्द, उनको कुछ ऐसी समस्याएं आने लगती हैं। तो यदि ये समस्या होगी तब प्रेगनेंसी कैसे होगी? देखिए, कुछ महिलाओं में ये प्रॉब्लम होती है कि यदि रिलेशन के बाद वो वॉशरूम ना जाएं, पेशाब करने के लिए ना जाएं, तब फिर उनको इचिंग होने लगती है, खुजली आने लगती है, पेशाब में जलन होने लगती है, कम पीला बार बार आने लगता है, पेड़ों में नाभि के निचले हिस्से में लगातार दर्द बना रहने लगता है। तो कुछ महिलाओं के साथ ये समस्या होती है एंड फिर प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। वहीं कुछ महिलाएं प्रेगनेंसी नहीं चाहती हैं, वो चाहती हैं कि प्रेगनेंसी जब वो चाहे तब प्रेगनेंसी रुके। तो उन महिलाओं को क्या करना चाहिए? आज की इस वीडियो में हम दो एस्पेक्ट से बात करेंगे, प्रेगनेंसी रुकने के लिए क्या उपाय करें और हेल्दी रहने के लिए क्या उपाय करें। इन्फेक्शन होना, यूटीआई होना, पीआईडी होना बहुत सामान्य है महिलाओं में, क्योंकि पास पास तीनों चीज़ का रास्ता होता है। लेट्रिन का रास्ता पास में है, वेजाइना का रास्ता है, फिर उसके बाद में पेशाब का रास्ता पास में है। तो इन्फेक्शन जल्दी से जल्दी स्प्रेड होता है महिलाओं में पुरुषों के कंपैरिजन में। तो क्या करना चाहिए, क्या वो उपाय है जिसका यूज़ करने से हमें प्रेगनेंसी जल्दी रुक जाती है? देखिए, यदि आप सालों से ट्राई कर रही हैं तब अच्छी डाइट और अच्छा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तनाव से दूर रहना बहुत ज़रूरी है, 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है, अच्छे फल खाएं, न्यूट्रिशियस डाइट लें, ड्राई फ्रूट्स का सेवन करें, ओमेगा 3 को अपनी डाइट में इंक्लूड करें, जिंक का प्रयोग करें, ये चीज़ें अपनी डाइट में, विटामिन सी अपनी डाइट में इंक्लूड करें। मैं हर बार आपको बताती हूँ, आपको आपके पीरियड का, आपके साइकिल का पता होना ज़रूरी है, ओव्यूलेशन के समय का पता करें। ओव्यूलेशन पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, तो ओव्यूलेशन पता करें, कब आपका ओव्यूलेशन होता है, कब फर्टिलिटी डेज होते हैं, जिन दिनों संपर्क रखने से आपको गर्भ धारण हो जाता है, तो इन दिनों का आपको पता होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप प्रेगनेंसी चाहती हैं तब आपको क्या वो एक उपाय करना चाहिए? देखिए, रिलेशन के बाद जो स्पर्म अंदर गए हैं वो बाहर नहीं निकलने चाहिए, उनका कलेक्शन अंदर ही होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? संपर्क के तुरंत बाद आपको लेग अप टू द वॉल पोज, जो योगा पोज होता है, वो करना है। आपका जो बेड है या जो दीवार है उससे अपनी टांगों को सीधा कर लीजिए। आपके जो कमर वाला हिस्सा है उसके नीचे आपको पिलो, तकिया लगा लेना है, पैर ऊपर कर लेने हैं। हिप वाला रीजन थोड़ा सा आपको ऊंचाई पे करना है, पैर बिल्कुल सीधे कर लेने हैं। ये आपको 15 से 20 मिनट, यदि आप 30 मिनट तक कर लेती हैं तो उससे बेहतर कुछ नहीं है, 15 से 20 मिनट तो करना ही चाहिए। तो यदि आप ऐसा कर लेंगी तब फिर आपको प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस 100% हो जाएंगे, और यदि आपने फर्टिलिटी डेज पर ऐसा किया है तब 100% प्रेगनेंसी रुक जाएगी, यदि कोई पीसीओडी पीसीओएस की समस्या नहीं है तो। अब कुछ महिलाएं चाहती हैं कि हमें प्रेगनेंसी ना हो। जिन महिलाओं को वो चाहती हैं कि हम हेल्दी रहना चाहते हैं, हम प्रेगनेंसी अभी नहीं करना चाहते, तो उन महिलाओं में संपर्क के तुरंत बाद आप वॉशरूम जाएं और अच्छे से सब कुछ क्लीन कर दें,
तो उससे प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस भी कम हो जाते हैं और इन्फेक्शन के चांसेस भी कम हो जाते हैं। जब आप अच्छे से क्लीनिंग करेंगी तो इनफ है, इंटीमेट वॉशेस का प्रयोग ना करें। आप नॉर्मल पानी और साबुन से भी क्लीन कर सकते हैं। इंटीमेट वॉशेस आपके पीएच बैलेंस को ख़राब कर देते हैं, फिर खुजली की समस्या, इचिंग की समस्या, रेडनेस की, छोटे छोटे से दाने निकल आने की समस्या बढ़ जाती है। तो इंटीमेट वॉशेस का प्रयोग ना करें, आप ऐसे ही पानी से भी क्लीन कर सकती हैं। जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी चाहिए वो लेग अप टू द वॉल पोजिशन को ट्राई करें, 15 से 20 मिनट या 30 मिनट, उसके बाद वो अपने वॉशरूम जाएं और ख़ुद को अच्छे से क्लीन करें। या आप एक करवट लेकर के लेटे रह सकती हैं, एक ही पोजिशन में लेटे रहना है, करवट लें और उसी पोजिशन में लेटे रहें। हिप वाले रीजन के नीचे आप तकिया लगा लें, थोड़ा सा उसे ऊपर कर लें, तब आपको प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यदि आप सालों से ट्राई कर रही हैं माँ बनने के लिए, तब आप इस एक ट्रिक को फॉलो करें, हो सके आप जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएं। उम्मीद है ये दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही है। यदि वीडियो हेल्पफुल है तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं से शेयर करिएगा। यदि पहली बार आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।